और चले रुक करते अगली खबर की ओर। 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में सभी दल जीत की कोशिश में लगे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होगा उनमें से एक 84 विधानसभा सीट है, जिस पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव से भारत आदिवासी पार्टी का कब्जा रहा है। ऐसे में बीएपी को यकीन है कि उपचुनाव में उसकी ही जीत होगी, जबकि कांग्रेस और बीजेपी अपनी जीत मानकर चल रही है। रिपोर्ट देखिए। जीत की हैट्रिक लगाएगी बीएपी, कांग्रेस बीजेपी भेद पाएंगे बीएपी का किला, कौन बनेगा 84 का शहंशाह। जब तक उपचुनाव के नतीजे नहीं आ जाते हैं तब तक तमाम दल 84 सीट पर जीत का दावा करते रहेंगे, लेकिन साल 2023 के विधानसभा चुनाव में 3 सीट जीतने वाली भारत आदिवासी पार्टी इस सीट पर काफी मजबूत रही है। राजकुमार रोध के सांसद बनने के बाद खाली हुई इस सीट पर जहां बीएपी फिर से जीत की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी राजकुमार रोध के किले को भेदने की कोशिश में लगी हैं। हालांकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में 84 सीट पर बीएसपी का कब्जा रहा है। बात बीएपी की करें तो इस सीट पर हैट्रिक के लिए उसने खास रणनीति बनाई है। ये साफ है कि 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आदिवासी इलाके में भारत आदिवासी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ा है। खासकर आदिवासी वर्ग का युवा बड़े पैमाने पर बीएपी से जुड़ा है। उपचुनाव में बीएपी सिलेक्शन प्रणाली के जरिए प्रत्याशी का चयन कर रही है, जिसके लिए 3 दावेदारों का एक पैनल बनाया गया है, जिसमें झोथरी ब्लॉक से पोपट खोखरिया, चिखली से अनिल और सीमलवाड़ा ब्लॉक से दिनेश का नाम शामिल है। इन तीनों में से बीएपी एक दावेदार को अपना प्रत्याशी बनाएगी। प्रत्याशी की घोषणा जब तक हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी और हमारी कोर कमेटी तय करेगी, और अभी तक की जो सिचुएशन है, हालांकि हमारी कोर कमेटी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, लेकिन संभवत है कि वो हम लोग स्वतंत्र ही चुनाव लड़ेंगे। आदिवासियों के मुद्दे पर राजनीति करने वाली बीएपी ने उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीएपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन रहा था। विधानसभा में जिन 3 सीटों पर बीएपी ने जीत दर्ज की उनमें डूंगरपुर जिले की आसपुर और 84 सीट थी, जबकि प्रतापगढ़ जिले की धरियावत सीट भी शामिल थी। राजकुमार रोध के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 84 विधानसभा सीट खाली हुई थी, जिस पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। 84 में विधानसभा चुनाव की 64 बीत चुकी है। तीनों ही दल विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हो गए हैं और बहुत ही जल्द अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी करने वाले हैं। बात सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की करे तो उसने भी जीत के लिए रणनीति बनाई है। 84 सीट पर खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान के तहत 84 सीट पर अब तक सिर्फ 6,000 कार्यकर्ता जोड़ पाए हैं। ऐसे में राह उतनी आसान नहीं है। हालांकि बीजेपी पूरी ताकत लगाने के मूड में है, जिसके लिए मुख्यमंत्री समेत बीजेपी के दिग्गज नेता विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ जीत पर मंथन कर चुके हैं। संगठन भी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है, हर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं में जोश है, और अभी हरियाणा में लगातार 3री बार जीत भी मिली है, और आम जन भी समझ चुका है कि पिछले 2 बार में जो 84 क्षेत्र में कमल का फूल नहीं खिला तो 84 का विकास है वो ठप के बराबर हो चुका है। इसलिए जनता ने मानस बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को इस बार 84 से जिता के भेजे और 84 का जो रुका हुआ विकास है वो आगे बढ़ पाए। 84 विधानसभा सीट पर कांग्रेस को भी कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बीएपी को समर्थन दे दिया था, जिसके चलते 84 में कांग्रेस का वोट बैंक और टूट गया है। हालांकि उपचुनाव में गठबंधन का फैसला आलाकमान पर छोड़ा गया है। हालांकि जानकारों की माने तो स्थानीय नेता गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अब जनता ने ठान ली है कि कांग्रेस के सिवाय हमारा कोई विकल्प नहीं है, तो जनता का मानस, युवक जो भटक गए थे उनका मानस भी कांग्रेस के प्रति है, इसलिए हम पूर्णतया जिसको भी हाईकमान टिकट दे हम पूर्णतया चुनाव के लिए तैयार हैं। जो भी स्थिति होगी वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता माई बाप है, वो अपना निर्णय करेगी।
उपचुनाव की घोषणा के बाद डूंगरपुर जिले में तीनों ही दल सक्रिय हो गए हैं। उपचुनाव में जीत की रणनीति बनाई जा रही है। पिछले चुनावों को देखें तो पलड़ा फिलहाल बीएपी का ही भारी लग रहा है। फिलहाल तीनों दल अपने अपने जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता जीत का ताज किसे पहनाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जयेश पवार, न्यूज 18 राजस्थान, डूंगरपुर।